फ्रेंड्स वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दिस इज योर होस्ट सन्या एंड यू वॉचिंग कतर व्लॉग। और फ्रेंड्स गर्मी का इतना बुरा हाल है, गर्मी तो चलो जो है उसका क्या कर सकते हैं, पर ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कहने की बात नहीं, पसीने छूट गया। आज मैंने सोचा घर से पैदल जाया जाए अलविदा पार्क, वॉक की वॉक हो जाएगी और छोटी छोटी जगह आपको एक्सप्लोर करके बताऊँगी। इट इज़ टू वर्थ कमिंग हेयर और जस्ट सी द सीनिक ब्यूटी ऑफ दिस, इट्स टू गुड। और ये जगह मैं खुद भी नहीं आई, ये सूख में है और मैं फर्स्ट टाइम खुद यहाँ पे विजिट कर रही हूँ। और ये अलविदा पार्क जहाँ हम जा रहे हैं तो हम ये एक्चुअली सूख वाकिफ और कॉर्निश के बिल्कुल बीच में है और जो ये पार्क है ये तीन में डिवाइडेड है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी फैसिनेटिंग तो लग ही रहा होगा कि एक पार्क जो तीन में वो है, इतना बड़ा पार्क है जो तीन स्पेसेस में डिवाइडेड है और यहाँ पे इतना कुछ है। इतना कुछ इसलिए है, पहली तो बात है ये एसेसिबल है, कहीं में भी आप रहते हो इट इज़ वेरी मच एसेसिबल फ्रॉम एवरीवेयर बिकॉज इट इज़ इन द मिडल ऑफ कतर, इट इज़ मिडल इन दोहा, मिडल ऑफ दोहा। तो होता क्या है, कॉर्निश भी नियर बाय है, सूख वाकिफ वाली साइड भी, सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है ये। तो अगर आप किसी भी मोड से आ रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से, बाय कार, बाय टैक्सी, बाय मेट्रो, बाय बस, बाय कैब, एनी सॉर्ट ऑफ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यू विल बी रीचिंग हियर सो इजली। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। ना स्पेशली सिर्फ यहाँ पे हवा के लिए आते हैं, सिर्फ हवा के लिए वॉक करने, हवा, माइंड फ्रेश करने। देख कितनी अच्छी हवा चल रही है इस तरफ, ये देख कितनी शांति लग रही है, पीछे मस्जिद की आवाज़ आ रही है। और अभी उधर भी आएगी, पर उधर अभी बच्चों के पार्क में क्या, यहाँ पे कितना सूदिंग लग रहा है देख, ऐसे फ्रेंड्स दिस इज़ द एंट्रेंस कि अगर आप यहाँ से आते हो कॉर्निश वाली तरफ से तो व्हेन यू विल एंटर फ्रॉम हियर जस्ट आपके राइट पे ऐसा व्यू है सेक्रेट पे और ये सारा प्ले एरिया आता है बच्चों का। यहाँ पे ये देखिए वो मस्जिद है और इसके बाद सूख वाकिफ है वेल वाली साइड। सो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, मैंने जैसे आपको बताया। ये देखो जस्ट सी कितना अच्छा व्यू है कॉर्निश का, ये देखो लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और कितना मस्त लग रहा है। लेट मी जूम इट आउट एंड लेट मी शो यू, ये देखो ये कश्ती हैं, बोट्स, और ये जस्ट सी दिस इज़ द मेन कॉर्निश वाला रास्ता, ये सेक्रेट, दिस इज ऑन माय राइट, ओके जस्ट सी, वो मेरा पीछे होटल था पहले और इसके बाद जब हम आते हैं तो ये प्ले एरिया और मेरे लेफ्ट में मस्जिद है, ओके ये देखिए सारा ये लेफ्ट का व्यू है। और यहाँ पे हलूल रेस्ट्रा कैफ़े है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। और यहाँ पे बोट्स हैं, ये देखिए ये बोट्स, लेट मी लाइक डू दिस, हाँ ये देखिए ये सारी बोट्स हैं, आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं रोड के उस तरफ एंड यू कैन हैव अ राइड। और अगर आप लाइक फैमिली के साथ जाते हो तो आर्क का सिस्टम है कि टाइम के हिसाब से, अगर आधा घंटा 15 मिनट उसके हिसाब से पैसे हैं। अगर आपने सबके साथ जाना है तो आई थिंक 10 रियाल पर पर्सन था पहले, पर उसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा ना वो जाते हैं, तो इट्स बेटर कि अगर फैमिलीज के साथ हो तो आपको अलग ही जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे वो जा रही है अभी, बट लेट मी जूम इट आउट, ये देखो ये जैसे ये जा रही है तो इसमें इतना रश नहीं है, रश मेनली फ्राइडे और सैटरडेज़ को होता है, नॉर्मली इट इज़ लाइक ऐसे ही। और आपकी मर्ज़ी है आपने जितना मतलब जितना बड़ा राउंड लेना है, ओके, और अकॉर्डिंगली उसकी ऑब्वियसली जितना गुड डालोगे उतना
उतना पैसा है, सीधी सी बात है, उतना पैसा देना है, ठीक है ना। अगर आपने छोटा सा राउंड लेना है तो इट विल टेक 50-100 रियाल। अगर आपने वो पर्ल वाली साइड से वो ऐसे घूम के आना है, जज वॉट एवर योर यू नो लाइकिंग इज लाइक यू नो वेयर यू वॉन्ट टू गो, तो उसके हिसाब से पैसे हैं। चलो आगे एक्सप्लोर करते हैं, और बाकी इसी रोड पे आगे जाके कैफ़े है हलूल, ओके, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, वेरी गुड स्पेशली फॉर कतरी डिशेस। और वो आपको दिख रहा होगा रेड रेड वाला, जस्ट सी। और यहाँ पे ना कहीं ना फिश मार्केट लगती है सुबह, वो भी कहीं किसी दिन एक्सप्लोर करेंगे। वो चक्कर क्या ना, गर्मी है यार फ्रेंड्स, तो मन नहीं करता कि कहाँ जाएँ। चलो मैं आपको पूरा एक राउंड ओवर बताती हूँ इसका, एक राउंड लेके, ओके। तो चलो हो गई है ना, तो दिन में तो इट्स दिन इम्पॉसिबल पानी। और पहले तो क्या होता था कि इन्होंने मतलब इंटरनली ना सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि खुद ही वाटरिंग होती थी, मतलब खुद ही पानी स्टार्ट हो जाता था और खुद ही कुछ टाइम के बाद वो मतलब हो जाता था। उससे क्या होता था, सारे कुछ कुछ स्टेप्स में इन्होंने वैसा बनाया हुआ था जिससे क्या था कि सारों प्लांट्स को पानी मिल जाता था। अब प्लांट्स को तो पानी मिल जाता, अभी भी वैसा ही सिस्टम है। आई थिंक इस टाइम बंद किया हुआ है, तो मोस्टली ये इसी टाइम देते हैं। और ये कैफ़े टाइप है किड्स के लिए फॉर रिफ्रेशमेंट। और मैं आपको बताती हूँ, ये सारे होटल्स हैं और सूट्स हैं, बुटीक होटल्स हैं इस तरफ ये सारे, ठीक है। और अब देखो ये फ्लोर की क्लीनिंग हो रही है विद सर्फ एंड ऑल, ये देखो दे आर क्लीनिंग विद सर्फ, वो पानी फेंक रहे हैं एंड दे आर मॉपिंग इट आउट, वाइपरिंग इट आउट इन फैक्ट, जस्ट सी। सो दे हैव टू डू इट लाइक दिस, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कि इन झाड़ू मार दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, लिटरली दे हैव अ ड्यूटी, सो दे हैव टू डू इट। तो भैया ये रोज करते हो? नहीं, फिर हफ्ते में एक दिन ऐसे झाड़ू मारते हो? अच्छा, पूरा पार्क ऐसे ही धोना है? दिन में गर्मी होती है तो दीज गाइज कांट डू इन द मॉर्निंग, सो दे कम दिस टाइम एंड दे डू इट, एंड इट्स लाइक वंस इन अ वीक दे हैव टू डू इट लाइक दिस, अदरवाइज दे हैव टू लाइक यू नो झाड़ू। पर इधर मतलब दो दो मिनट के बाद तो पीपल आर देयर हु आर यू नो स्पेशली डेजिग्नेटेड टू कलेक्ट द गार्बेज, और कोई भी हल्का सा कुछ भी है तो रोड्स वैसे ही इतनी क्लीन होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको छोटी छोटी कैट्स मिलेंगी, और इतनी ज़्यादा मिलेंगी ना बताती हूँ, सी जस्ट सी कितना अच्छा, आई कैन टेल यू, एयर इतनी अच्छी मस्त हवा चल रही है ऊपर से। यहाँ पे पहले क्या था, ये देखो इन्होंने ओपन में जिम भी बनाया हुआ है, इफ़ एनीबडी वांट्स आफ्टर वॉक दे कैन डू दिस। देखो कितनी कितनी बड़ी कैट है, देखना जिम एरिया, और कितना मस्त है ना, हवा लेते रहो साथ साथ में, कॉनिश का व्यू इंजॉय करो। एंड एंट्रेंस एक वहाँ से भी है, देखो कवर्ड की हुई है बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये देखो एवरीबडी इज डूइंग देयर एक्सरसाइजेस प्लस इंजॉइंग देयर लेजर टाइम, व्हाट एल्स। So you are taking part in some Olympic games or no? No. It's just like that of a normal exercise. Just enjoying the leisure time, huh? Yeah. The view is good. The view is good. Cornish is there. Good air is here, huh? Yeah. And you know, doing exercise. So you walking here? Yeah, we walk at Sasna. You know Sasna? Huh? It's in hotel, I think, na? Yeah, it's on hotel. Okay. You working there? Yeah. So today week off or what? No. Good. So how is Qatar? Not bad. You enjoying? Yeah. Better than your country? Not really. The climate wise, it's too hot. It's too hot. Seriously. Too cold. It's cold there? Yeah. Okay. Yeah.
Okay, so like since how long you've been here, like, you know, it's now almost 3 months now. Okay, just you recently came. Yeah. Ah, so you're enjoying going, matlab developing a habit of enjoying Qatar. Yeah, we're okay. Because in winter the climate is good. Uh-huh. It's airy, it's cool, it's good. But this time it's really, really hot. In the daytime you can't come out. See friends, कितना मतलब बड़ा calm atmosphere है, like, you know, you come here, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, like, you know, you really get relaxed. और मैंने अभी जिनसे बात की, they are like, you know, अभी latest ही आए हैं अपने country से यहाँ पे कतर में, and it's they are working in Sasna, I think that he was telling me. So they are enjoying it, but हाँ, the climate is hot, obviously that is why I don't know होता क्या है, पर you don't feel like, you know, going out and making video especially. But whenever I get time, I always have an interest ki obviously I have a work relating ki I have to give you guys, you know, content, but that content should be good enough. So that's why these days I'm being late in my, you know, uploading the videos, you know, daily. But what to do, yeah, it's really too hot. It's really too hot, and every day it's very difficult to go out, and you have to manage everything at your place also, because it's not like India ki ha, you have a maid or somebody, you know, some caretaker who will take care of your house and food and everything. Because after all, I have a family, so I have to take care of them also. I have a responsibility, so I have to see those things also. And you know, to see really everything, and then only I can, you know. So, but I really wanted to make you see, this is part one of Albida Park. I'm just showing you today one part of it. Actually, this park is divided, is like aisa hai ki jaise ye yahan tak hai, it is still here. After this second like, you know, extension of this Albida Park starts, उसके बाद वो ख़त्म होता है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है. इट्स लाइक अ थ्री वर्जन, थ्री और फोर वर्जन्स ऐसे हैं. तो ये एक पार्ट है, और हर पार्ट में वॉकिंग एरिया डेजिग्नेटेड है, स्विंग्स हैं एक्सरसाइजेस के, और इट इज़ लाइक, यू नो, अप्रोचेबल फ्रॉम एवरीवेयर. सी, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, लाइक थ्री एंट्रेंसेस फ्रॉम हेयर, वन फ्रॉम हेयर, वन फ्रॉम हेयर, and you know, 3-4 on this line, and opposite, just you just need to cross the road, and Souq Waqif is there. So, you know, and overall it's a very good apartment place to relax with your family. Children can play in the evening, they can have a really good time, because ghar pe baith baith ke na bacche bore ho jate hai yaar. What to do yaar, kuch bhi nahi kar sakte, chuttiyan hain. और यहाँ पे समर कैंप का भी ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, एक दो घंटे हुआ, एंड दैट इज़ लाइक, यू नो, वीक वाइज दे प्रोवाइड क्लासेस. तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, अगर शाम के टाइम यू कैन ब्रिंग योर चिल्ड्रन हेयर, दे कैन प्ले, यू कैन इन फैक्ट रिलैक्स, यू नो, सिटिंग घर पे बैठ बैठ के बंदे का दिमाग, यू नो, गेट्स स्ट्रेस्ड अप. सो ये है, यहाँ पे बच्चे भी खेल लेते हैं, आपकी भी एक आउटिंग हो जाती है. जस्ट सी, ये जो हमारे एक भाईजान बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो अपना बैठे हैं, पानी लेके रिलैक्स कर रहे हैं, अपना मोबाइल में भी देख रहे हैं, एंड ही इज़ एंजॉइंग हिज लेजर टाइम. व्हाट एल्स यू वांट, जस्ट सी द व्यू, एंड इट इज़ वेरी, यू नो, ऐसा नहीं है कि पार्किंग प्रॉब्लम है जो कुछ है, नथिंग इज सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. एंड इट इज़ वेरी मोस्ट डिमांडेड वीडियो दीज डेज, अलविदा पार्क. सो टुडे आई रियली थॉट, और मैं इसलिए आज अपने घर से लिटरली वॉकिंग करके आई कि आई जस्ट वॉन्टेड टू गाइज शो यू कि यू नो कैसा कैसा है. इफ़ यू आर कमिंग, बिकॉज एवरी टाइम यू कम बाई मेट्रो और बाई कैब और बाई ओन कार, यू रियली मिस आउट दोज एक्साइटिंग प्लेसेस वेयर यू नीड टू एक्चुअली यू नो विजिट. सो दैट्स द main thing I really wanted, ki I should come and make you show, see all these sorts of swings they have,
children are playing. My daughter is also playing in that area. So till then, let me show you more. This is, you know, one area that is like, you know, काफी अच्छा है. I'll show you. Just see. Because sometimes बच्चों को भी ना एक break चाहिए यार. They also need some, you know. Because ऐसा नहीं होता कि हाँ बच्चों को बच्चों की कंपनी बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है कि हाँ बच्चों को टाइम स्पेंड करना. तो इट्स बेटर. हाँ ऑब्वियसली वी गाइज ऑल्सो गेट, यू नो, थक जाते हैं घर पे तो फिर मन नहीं करता बाहर निकलने का. पर फॉर चिल्ड्रन वी हैव टू कम आउट. और मेरी तो डबल रहती है, मुझे आप लोगों के लिए भी वीडियोस करनी पड़ती हैं कि सो दैट यू नो. नहीं, दिस इज़ द व्यू, दिस इज़ द व्यू, जस्ट सी. ये वाला काफ़ी अच्छा, ये काफ़ी अच्छा है. देखो यहाँ पे किसी ने मैट बिछाया हुआ प्रेयर के लिए, रिलैक्स के लिए. यू कैन कम. और ये देखो, ये काफ़ी अच्छा एरिया. जस्ट सी द व्यू यार यहाँ से. ये देखो यहाँ से ये व्यू देखो, मस्त है ना. सी, जस्ट सी. और पीछे से व्यू देखो, ये वाला व्यू हो गया. और अब इसके बाद यहाँ खड़े हो कि ये वाला व्यू देखो, बताओ मस्त है ना. जस्ट सी द व्यू, मतलब 360 डिग्री. ये देखो मैं एक बार रिवॉल्व करके बता दी. देखो 360 डिग्री द व्यू इज टोटली, यू नो, हैपनिंग. जस्ट सी, वो देखो अक्षिता वहाँ पे. मतलब जस्ट सी, यू कैन इन्जॉय. बच्चे इन्जॉय करते हैं यहाँ, स्केट्स लेके आते हैं वीकेंड पे. तो वो दे स्लाइड, एक्चुअली दे स्लाइड ऑन द स्केटर बोर्ड्स. यू नो द व्यू इज़ लाइक 360 डिग्री. ऐसा भी नहीं है कि हाँ एक साइड है एक साइड नहीं है. सो दिस इज़ वेरी हैपनिंग. अलविदा के बीच में है ये वाला पार्क. सॉरी, ये अलविदा पार्क बीच में है मेन सिटी में. सो दिस इज़ द मेन पार्क वेयर यू कैन रियली इन्जॉय. इट्स वेरी वेरी वास्ट एंड इट्स वेरी बिग. And 360 degree view is great. See, this is so awesome. Just see. ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यार, कितना मस्त लग रहा है. मन नहीं कर रहा. जस्ट सी दिस पार्क. सीरियसली इट्स टू ऑसम. आप नीचे भी वॉक कर सकते हो, आप इधर भी खेल सकते हो, यू कैन डू एक्सरसाइजेस. जस्ट सी यार, जस्ट सी द, यू नो, मैं आपको बता नहीं पा रही कि यू गाइज आर मिसिंग व्हाट. So I'll really recommend you guys, if you are in Qatar, do visit here once. You really have a lifetime experience. This park, the vibes here, you know, all is like, you know, it's too happening. And you know, you won't get bored if you're sitting silently also. Sometimes you need, you know, peace environment ki apne aap ko relax karne ke liye. This is one of those places where you get good air plus hawa itni achhi chal rahi hai, you know, all those scenic views are so, you know, beautiful. You really get, you know, re-energized actually. Also, here are some mountains. These are only the mountains. Just see, this is a normal area. You can do walk here, you can go here. So this is all totally an lifetime experience. You guys should visit once. And I think most of the people, like if you are in Qatar, so I think most of you have already visited here. But this park, especially this one opposite to this one, opposite to the Sukh Waqif and this museum and to Cornish, this Alvida park is like too awesome. And it is very approachable. You can go to Cornish, you can go to Mia Park, you can go to Sukh Waqif this side, you can go to Musharraf downtown. So matlab, if you're coming also, it's very easily accessible at, you know, from everywhere. And they have just covered like this so that
दिन में बहुत ज़्यादा इट्स यू नो गर्मी के कारण, सो दैट दे शुड नॉट बी जस्ट सी द वाटर दे हैव द दिस वाटर फैसिलिटीज एवरीवेयर साइकिलिंग ट्रैक बी मेड स्पेशली और कवर करके रखे हुए दे रियली टेक वेरी गुड केयर ऑफ द प्लांट्स हेयर बिकॉज दिस इज ऑल दे हैव यू नो यहाँ पे डेजर्ट एरिया में यू गाइस कैन थिंक कि मतलब इतना ग्रीन भी जिस इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन्होंने ये सब कुछ सेटअप किया है इज़ रियली वर्थ प्रेजिंग यार इट्स रियली हैंड्स ऑफ टू दीज गाइज एंड द मेंटेनेंस सिस्टम हाउ दीज गाइज आर मेंटेनिंग एवरीथिंग इज टू गुड एंड दिस इज वेरी मच एसेसिबल बाय मेट्रो बाय कारवा बाय टैक्सी बाय यू नो एनीथिंग योर पर्सनल कार पार्किंग लॉट इज देयर एनीवेयर यू कैन पार्क Today the crowd is really less. Why? Because mostly the crowd is on weekends, like on Fridays and Saturdays. So obviously today is Sunday. So isliye crowd is less. And these are the persons who sell water bottles, tea, peanuts, so that you know, if in case you guys don't bring anything, you can purchase it from here. So let me show you. From where we are going, now we'll be going by metro. अब आते हुए हम पैदल आए और अब हम मेट्रो में जाएंगे जस्ट सी मैं तो पैदल भी चल लूँ पर अक्षिता थक गई है तो शी नीड्स टू गो बाई मेट्रो लेट्स सी कि कैसा होता है बिकॉज माई हस्बैंड इज ऑल्सो गोइंग टू कम सो इन फैक्ट आई शुडन बी लेट बिकॉज मुझे घर जाके कुक करना है अभी और कुक करना है और थोड़ा सा मुझे मार्केट का काम भी है तो लेट्स गो और जस्ट सी मतलब यू अगर आप अकेले भी आ रहे हो ना तो यू वॉन्ट बी बोर्ड समटाइम्स लोनलीनेस इट्सेल्फ टॉक्स विद यू इफ आई एम रॉन्ग जस्ट करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स इफ आई एम राइट देन गिव अ यू नो वन थम्स अप एंड इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट राइट नाउ प्लीज बिकॉज इन I'll be bringing a very nice, interesting stuff. Every time I put my efforts to bring a good new content for you guys, if you are here in Qatar or if you are coming to Qatar, and it's your first time you're visiting here, so your experience should be a lifetime experience, so that aisa na lage ki like you know you're not staying here. So we're just moving out. These are the persons who just came in. They'll sit, they'll relax for a while, and they come, they enjoy some places. But yeah, next time I'll take you to Alvidapa. That is near to Musharrib. After Parliament. So, friends, metro में जा रहे थे, पर अक्षिता ने as usual मेरे purse में से metro रख लिया होगा card. उस दिन हम आए थे तो मेट्रो कार्ड इसके बैग में रह गया हम नीचे जाके स्पेशली अब ऊपर आए हैं तो मेरे पास ऑलरेडी 3-4 मेट्रो कार्ड हैं तो व्हाट इज़ द फन ऑफ टेकिंग एक और सो दैट्स व्हाई आई डिडंट बाय इट तो हम टैक्सी करने लगी हूँ क्या अब यहाँ से तो लेट्स सी थोड़ा जल्दी आ जाए लेट हो रहा है टैक्सी खड़ी है कहाँ कहाँ कैसे गलियाँ हैं ना देखने को मिलती हैं जस्ट सी आई थिंक घर है किसी के क्या है ये तो होटल है awesome. Perfumes. Let me see if I can book a taxi from here. So catch you later, friends. Friends, by chance यहाँ से कैब बुक हो चुकी है तो अब घर को निकल रहे हैं और ये सारा बुटीक होटल है साथ में क्या है यहाँ पे गोल्ड सुक है किसी दिन यहाँ पे भी मैं विज़िट करूँगी पर तब तक के लिए साइनिंग ऑफ जिससे होस्ट सान्या मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखना चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा बाय फ्रेंड्स सी यू